कोई वैकुंठ के चक्कर लगाता है इस पृथ्वी पे नाना भांति एकांत उनका काम है वो प्रभु मिले वो प्रभु साक्षात मेरे द्वार पे आ गए मेरी झोपड़ी के बाद खुल जाएंगे प्रभु श्री राम आएंगे मेरे भाग्य गुरु के बाद ऋषि खुश हो गए प्रसन्न हो गए प्रभु के चरणों में असहाय लकड़ी की भांति प्रभु के चरणों में गिर गए हे प्रभु मैं आपके श्री चरणों में राम सब प्रेम कही मुनि पारी नाथ कही हम कही मग मारी मुनि बियंसी राम सन कही सुखम सगल मग तुम कहो हरि प्रभु श्री राम ने बार बार जी से कहा कि प्रभु हमको बताइए वहां मुनि के कौन से रास्ते से हम जाए वो रास्ता अच्छा है उन्होंने कहा कि आपका नाम का जप करके अगम मार्ग भी लोगों के लिए सुगम हो जाता है आप रास्ता पूछते हो प्रभु श्री राम के अनेक तरह से पूजा अर्चना की स्वागत सत्कार किया और भारद्वाज मुनि के साथ में कुछ समय बिताया प्रभु ने सत्संग किया सत्संग और हरि चिंतन की बात में बार बार ऋषि महामुनि थे भगवान ने जाके वहां पे ये नहीं कहा कि महाराजा हे महामुनि मेरी कुंडली देखो मेरा हाथ देखो आगे क्या लिखा हुआ है राज्य पाते पाते तो जंगल मिल गया आगे विष्णु पे क्या लिखा हुआ देखो बार बार ये नहीं उनका हाथ नहीं देखा कि आगे जाके तुम्हारी पत्नी का हरण होने वाला है कुछ नहीं पूछा भविष्य में क्या होने वाला नहीं जानना हरि कीर्तन किया थोड़ी देर पहले तो थोड़ी देर सत्संग किया हरि कीर्तन किया क्योंकि जब ईश्वर का आस्था अपने शरीर में उतर जाती है ईश्वर का अंश अपने शरीर में उतर जाता है हरि कीर्तन करते हैं घर का वातावरण हरिमय हो जाता है तो सब दुख वगैरह कम पड़ जाते हैं देखो जो पूर्व जन्म में किया है तो भोगना तो पड़ता है लेकिन लगातार प्रभु चिंतन हरि चिंतन करने से वो कुछ कम हो जाता है जहां पे आपके ऐसा योग्य तलवार चुभेंगे तो वहां तलवार नहीं चुभते ये तलवार की जगह सुई चुभ जाती है योग तो है पर वो योग बहुत कम में हो जाता है और अपने को पता ही चलता निकल जाता है इसलिए हरि को कभी नहीं भूलना चाहिए अब प्रभु श्री राम यमुना नदी पार करते यमुना नदी के तटवासियों का स्वागत करते यमुना नदी पार करके आगे चलते हैं तो आगे रास्ते में एक तपस्वी आते हैं वाल्मीकि रामायण और मानस में तपस्वी के आने का उल्लेख है तपस्वी कौन थे आज दिन तक वो रहस्य है तुलसीदास जी भी कहते हैं हो सकता है कि वो तपस्वी हनुमान जी हो कई संत कहते हैं कि हो सकता है कि और कोई सिद्ध पुरुष हो वो तपस्वी कौन थे प्रभु श्री राम के चरणों में आके प्रार्थना करते हैं और निकल जाते हैं यही अवसर एक तापस आवा तेज पन्न तेज पुंज लग भय सुहावा कवि अलखित गति भेष विरागी मन क्रम वचन राम अनुरागी वो तपस्वी आता है भगवान को निहारता है और प्रभु के चरणों में दंडवत करता है सजल नयन तन फुल कावली निज इष्ट देव पहचान परे उदंड जीव धरनी तन दशान राही कान वह तपस्वी प्रभु के चरणों में पड़ता है बार बार दंडवत करता है और आगे बढ़ जाता है फिर निषाद राज उस तपस्वी से मिलते हैं वो भी उनको प्रणाम करते हैं बरे बने जाए तिन दशा के जगनी तनु रक्त सुनिय न डेरी एक ही एक मोर सी कदे ये योजन ना हो ले उठ रहे आगे प्रभु आगे बढ़ते हैं अनेक वनवासी आसपास के गांव वाले गांव के बीच में होकर तरह गुजरते नहीं है क्योंकि गांव में जाना
तो दर्शी कहते हैं। प्रभु श्री राम ने वाल्मीकि जी को त्रिकाल दर्शी इसलिए कहा क्योंकि प्रभु के अवतार से पूर्व ही उन्होंने रामायण लिख दी थी। आप तो सब जानते हो मैं यहाँ जंगल में क्यों आया, क्या हुआ। सात वचन पूर्णिमा भरत असराओ तुम्हारे प्रभु तुम कोई के प्रभु। मेरे किस्मत में प्रभु श्री राम कह रहे आप जैसे महामुनियों के दर्शन लिखे हुए थे इसलिए भरत जी को पिताजी ने राज किया और मुझे आप सभी के दर्शन के लिए भेजा। ये नहीं कहा प्रभु ने कहीं शिकायत नहीं की मेरे साथ कहीं आने वाला, कहीं कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं। बड़ा पुत्र होता है ना उसको अनेक चीजें सहनी पड़ती है, अनेक चीजें। रात को काम से आएगा 10 बजे 11 बजे की चुपचाप खाना उगाया खाया नमक कम ज्यादा कुछ शिकायत नहीं करेगा, अनेक चीजें सहता। प्रभु ने कोई शिकायत नहीं, नहीं मेरे को जो विधाता ने दिया जो मेरे किस्मत में लिखा है जो विधाता ने लिखा है वो मुझे दिया उसमें अच्छा क्या हो रहा है देखो। अच्छा ये हो रहा है कि मुझे ऋषि मुनियों के दर्शन मिल रहे हैं, मेरे पिताजी ने मुझे आप सबके दर्शन हेतु वन गमन की आज्ञा दी। वाल्मीकि जी प्रभु को प्रणाम करते हैं, उनके दोनों हाथ जोड़कर विनती करते प्रार्थना करते सुति से सुपालक राम तुम जगदीश माया जानकी जो सजति जगु भारति हरति रूप पाई प्रभाति जानकी। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे जड़ति मो ओहि उद्भूत होइ सुकारि। हे राम आपके चरित्र को मैंने कई बार सुना है कई बार देखा है, कोई जड़पति होंगे जो आपके चरित्र को नहीं पहचान पाते होंगे। इस तरह से बार बार वाल्मीकि आश्रम से वाल्मीकि जी से आश्रम में प्रभु ने विदा ली। उसके बाद में आगे चले बढ़ने लगे। इधर सुमंत्र जी अयोध्या में आए, प्रभु श्री राम को गंगा नदी तट पर छोड़कर सुमंत्र जी वापिस अयोध्या में आते हैं। सुमंत्र जी अयोध्या में आए तो अयोध्या में जाने की इच्छा नहीं हो रही कैसे जाऊं, जब रथ लेके गया था तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता जी हमारे साथ में थे लेकिन खाली रथ जब लेके जाऊंगा दुनिया को मुंह क्या दिखाऊंगा। मीजय हाथ सिर धनु सचिताई मन उपन कर प्रबल धनु राशि कमाई। एक अर्जुन व्यक्ति पैसे का नुकसान उठाने के बाद में कितना दुखी होता है पूरी राशि कमाने के बाद में, उससे भी ज्यादा दुखी सुमंत्र जी हो रहे हैं कि अब मैं नगर में कैसे प्रवेश करूं। पूरे नगरवासी आएंगे मेरे को पूछेंगे उनको क्या जवाब दूंगा। दाय ऊंचे होई सब नगर नगर नारी उत्तर देव सब ये करते बच्चे बेटा उनको सबको क्या उत्तर दूंगा। राम जननी ऐसे आई जाय सुखी बच्चों जन देर के समाए। एक माँ एक गाय जैसे अपने बछड़े का इंतजार करती है शाम को, गाय जब जंगल में चरने के लिए जाती है जब वापिस चर के जंगल में आती तो अपने बछड़े से मिलने के लिए उतावली होती है। बछड़ा कहीं अलग जगह पे बंधा हुआ है और गाय के पास में छोड़ दे तो कितना उतावली होकर इंतजार करती है। उसी तरह राम की जननी राम की माँ माँ कौशल्या सुमित्रा सब आके उनसे पूछेगी कि प्रभु राम कहाँ है मेरा बेटा कहाँ, मैं इनके क्या जवाब दूंगा। सुमंत्र बार बार विचार करते अयोध्या के मार्ग पर रुक गए। एक ही कर्त पंथ पचितावा तपसा तीर सतुरु रक्त रावा सचिवा गुरु सुपन सब वकन विकल भयन निवास भवन भयन करगा ते मांगो में तपसा। उन तपसा नदी पार करने के बाद में अयोध्या के मार्ग पर रुक गए। दिन में मैं नहीं कहूंगा दिन में इतने सारे लोगों को क्या जवाब दूंगा। रात्रि काल में सुमंत्र जी ने अयोध्या में प्रवेश किया। अयोध्या सुनसान थी,
ऐसा लग रहा जैसे शमशान हो, कोई धनी धोरी नहीं हो, उस तरह से अविद्या पूरी सुनसान। रात्रि में गए सचिव आगमन सुनो सब विकल भय निवास भयं पर भवन भयंकर लाल मुझे सुमंत्र का आता हुआ सुनकर पूरा रचिवास रानियों का वास लिया ना तुम लेके आ गए क्या? सुमंत्र की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, वो आपके पुत्र हैं। उन्होंने कहा 14 साल जब तक पूरे नहीं होंगे जीवन से नहीं आएंगे। क्या कहा उन्होंने? पूरी पूछी को चलो पूरी पूरी पूछ तो मंत्र ही राहो तेरे ही सुनो संदेश सुना करे सका एक इप्पा उरा मन्दर पनसी में देख कर जाओ। मुझे सब बताओ तो सही कि आप कैसे राज को लेके गए। सुमंत्र ने कहा प्रथम अजीव सभा सम समसा भय सुर सरी दूसर की नहाए जल पान कर इसकी ये समेत सब प्रथम दिन प्रथम रात में हमने तमसा नदी के किनारे बिताई थी जहाँ पे जलपान किया नदी में स्नान किया। नदी पार करने के बाद दूसरी रात गंगा नदी पे गए। गंगा नदी पे उन्होंने स्नान किया जलपान किया और गंगा नदी के इस पार से उन्हें विदा नदी का भाव का राम लख सका तम नाव मंगाए प्रिया चढ़ाए चढ़ाए चढ़े रघुराज। राम जी ने नाव मंगवाई प्रिया चढ़े चढ़ाए चढ़े रघुराज। पहले पत्नी को धर्मपत्नी सीता जी को नाव में बिठाया उसके पश्चात स्वयं चढ़े फिर पीछे पीछे लक्ष्मण जी। नियम है याद रखो रामायण सीता जी कहीं पे भी जाओ गाड़ी में नहीं चढ़ रहे हो तो पहले पत्नी को चढ़ाओ धर्मपत्नी को पहले फिर आप बैठो। ये महात्मा जी स्टेशन पे कथा पढ़ रहे थे कोई बाबूजी थे उनके आए से मेरे माता पिता सुखी रहे सुमंत्र जी को उपाय बताना। पिताजी बहुत ही तकलीफ में है अभी भरत और शत्रुघ्न जी ननियाल में है। पिताजी को किसी तरह का कष्ट नहीं हो माँ को किसी तरह का कष्ट नहीं हो अयोध्या की जनता को किसी तरह का कष्ट नहीं हो इस तरह का उपाय आप करना। सुमंत्र जी को बार बार प्रभु श्री राम ने निवेदन किया था वो निवेदन सुरेंद्र जी दशरथ जी को सुना रहे अब दशरथ जी बहुत दुखी होने लगे और फिर क्या हुआ कि फिर कुछ नहीं बस राम ने कुछ कहा लक्ष्मण जी ने एक दो कुछ अटपटी बात कही थी राम ने कहा मेरी सौगंध दी जाती है मत कहना। सीता जी सीता बहु ने कुछ नहीं कहा सीता विद्या से मेरे पूछा बेटा से कुछ कहना उसने कहा कुछ नहीं कहना जहाँ पे मेरे प्रभु ये मेरे जीवन मेरे साथ में थे बस वही मेरे जंगल जीवन ही मेरे राज के समान है ये सोचूंगी मैं अवश्य भी अच्छी राजधानी में हूँ बस। हमारे बेटा 14 साल के लिए तो मन में गया और 14 साल में 4 दिन तो बीत गए 4 दिन तो कम हो गए अरे ये अवधि ऐसी निकल जाएगी हमारा बेटा आएगा अपने राम आएंगे घबराओ मत और आप अपने हाथों से रखे अभिषेक करना सब बढ़िया होगा। कौशल्या बार बार धीरज दे रही सात फेरों के साथ में माता पिता के द्वारा की हुई शादी वो धर्मपत्नी की अंतिम साथ दे थी प्रेम विवाह करके लाइव की शादी की थी। कौशल्या जी उनको सुनते दशरथ जी का नहीं है अब नहीं अब कुछ नहीं बचा अब मेरा अंतिम समय आ गया। उन्होंने बताया कि तापस अंत्य तपस्वी ने जो मुझे काम दिया था वो आज होने वाला गलती से श्रवण को मैंने तीर मार दिया और श्रवण की मृत्यु के उपरांत श्रवण के माता पिता ने मुझे श्राप दिया था कि 4 बेटे हो गए तेरे पे पर बेटों के वियोग में विलाप करता हुआ मरेगा एक भी बेटा तुम्हारे पास नहीं होगा। आज मेरा राम बनने गए हुए
मैं उनके दुख से दुखी हूँ, राम से वियोग होकर मुझे नहीं जीना है। भरत शत्रुघ्न नदिया में यहाँ पे कोई पुत्र भी मौजूद नहीं है और मुझे पुत्र का शोक भी है, दुख भी है, वो अंत्य तपस्वियों का दिया हुआ श्राप का वक्त आ चुका है। हे कौशल्या, मैं इस दुनिया को, इस संसार को छोड़ के प्रभु श्री राम के चरणों में अपने प्राण को समर्पित कर रहा हूँ। तुमने यह राज्य छोड़ दिया, मेरी बात को रखने के लिए राज्य छोड़ दिया, अब मैं तुम्हारे बिना अपने आप को हे राम आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, मैं यह शरीर छोड़ता हूँ। राम राम कही राम कही राम कही राम तन बलि हरि रघुवीर विरह राव गए सुनाम। बार बार राम 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 कहते हुए इस शरीर को छोड़कर राव राजा दशरथ सुर धाम देवताओं के नाम को गमन करते हैं, इस शरीर को छोड़ देते हैं, राजा का ध्यान हो जाता है। जी अमर फल दशरथ बाबा अंत अनेक अमल दसुखावा, जी राम वीर पद निहारा राम वीर मर संसार हमारा। जीता जी प्रभु ने राम के दर्शन किए, राम को गोद में खिलाए, त्रिलोकी नाथ जी के दर्शन के एक पल के दर्शन के लिए लोग ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं, उनके दर उनको अपनी गोद में खिलाया, उनको साथ में रखा सीता जी, और मरते समय उनका स्मरण करते हुए देव को ध्यान दी, देवता आसमान से पुष्प बरसाने लगे, धन्य हो दशरथ जी आप धन्य हो। सब जगह सूचना पहुंच गई कि दशरथ जी नहीं बचे, गाल दे सकल के कई नयन भी निकली, सभी के कई को गाली दे रही है, इस जग को नए निर्मित कर दिया, प्रभु को जंगल भेज दिया, आज जो है हमारे अयोध्या का नाश हो रही है, अयोध्या दशरथ जी भी हमको छोड़ के चले गए। एक नाव में तेल भर के रखवाया और उसमें दशरथ जी की देह को रखवाया, क्योंकि भरत जी को बुलाना था। भरत भरत जी जैसे ही अपने भवन में प्रवेश करते उनकी माँ केके आती है, केके आरती लेके आती है, आरती लेके बेटा जी कह रहे हैं सब दुखी है, राजी ने सबका मन उदास है, केवल मेरी माँ है, ये कुछ नजर आ रही हुआ क्या। सब कुशल कई भरत पूछे सुनाई मेरी कुशल भलाई कहो उदास सब मां पर कहां लटक रखी है भाई। भरत जी ने कहा माँ फिर भरत को गिर के दशरथ जी ने बहुत अच्छा शासन किया था, जीते थे तब तक तीनों लोक में उनके राज्य की चर्चा होती थी, अमरपुर में गए हैं, अब तुम राज्य संभाल पा। ये सीधा जो है केके जी जो उनको भरत जी को बार बार कह रही, भरत जी ने कहा है माँ अगर तू मेरी माँ नहीं होती ना तो अभी मेरे सामने इतनी बात करने के लिए जीवित नहीं रहती। जब मैं कुमति कुमत गए वो कंटक कंटक को हृदय गए वो मांगत भर भई मैं किया गई का मुंह परे मुकिया, तुझे यह वचन मांगते हुए जरा सी पीड़ा नहीं होगी, प्रभु राम मेरे से भी ज्यादा तुमसे प्रेम करते थे, अपनी माँ से ज्यादा तुमको अच्छा रखते थे, तुम्हें जरा सा भी यह वचन मांगते हुए पीड़ा नहीं हुई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ते ये बात करते हुए। भरत जी जैसा विमान एक ऐसी करण की वजह से माँ से इस तरह की शब्दावली में बात करता, इतने में मंत्रावा आ जाता, सजी हुई भैया उसको देख के श्री शत्रुघ्न मात्र लीला जयकार कर हंसाई, शत्रुघ्न को भी बहुत गुस्सा आया, पूरी रामायण में लोगों ने भी बहुत कम बोलते कहीं नहीं बोलते, और शत्रुघ्न जी ने जब इतने में देखा कि कई अवसर कुंभरी आए वसन दूसरी विजित बनाई लकी रीस भरे लक्ष्मण लघु भाई पर्वत रथ आहुति पाए, लक्ष्मण का छोटा भाई शत्रुघ्न को कुंभरी को देख के मंत्रा को देख के भयंकर गुस्सा आता है, माँ के सामने गिर जाते हैं।
मां तो तात कह देखा है कहां सी राम रतन दो भाई के कई तब जन को जग माए जन में कोई गाय न बा हे मां पापा कहां है पिताजी कहां है भैया कहां है।